वेलकम स्टूडेंट, मैं राजपाल सिंह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 वाटर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द वाटर रिसोर्सेज हम बात कर लेते हैं। देखो, एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है नेचर का। ठीक है, नेचर ने हमको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है वाटर। ठीक है, जिससे कि जो है हमारा जीवन यापन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, कई बार कहा भी जाता है कि खाने के बिना हम रह सकते पर पानी बिना हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, तो एक बार को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले। ठीक है, तो देखो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, देखो चार चीजें पढ़ी होगी, नेचुरल नेचुरल चार चीजें। पहली तो होती है एयर, दूसरी होती है वॉटर, तीसरा होता है लैंड और चौथा होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग जिसको बायोस्फीयर डायरेक्टली बोला जाता है। ठीक है, और लैंड बोले तो माइक्रोस्फीयर। ठीक है, और इधर से वॉटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर। वॉटर का फार्मूला आपको पता होगा, देखो इनको याद करने का भी ट्रिक है एक बार। देखो हाइड्रोस्फीयर और एयर बोले तो एटमोस्फीयर। ठीक है, ये चार लेयर जो है नेचर से आपको डायरेक्टली मिलती है। ठीक है, तो एयर एयर एटमोस्फीयर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज वॉटर, वॉटर का फार्मूला होता है H2O हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर वॉटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, लैंड यानी कि लाइथोस्फीयर, अल्फोर लैंड और अल्फोर लाइथोस्फीयर। लिविंग थिंग्स जो है जितने भी लिविंग थिंग्स वो बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक चीजें। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर के बारे में। देखो बिफोर वी स्टार्ट, हम कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले इसके बारे में जान लें कि जितना हम पढ़ रहे हैं और वाटर रिसोर्सेज जो है ये हमारा चैप्टर क्यों आया है। तो बेसिकली ये चैप्टर देने का रीजन मेन ये है कि आज जो वाटर रिसोर्सेज है वो एक बहुत ही जो हमको नेचर से मिला है गिफ्ट, वो आज संकट में है। इसलिए जो है आज ये चैप्टर हमारा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक चार्ज बनाता हूँ मैं, 71% जो है इस अर्थ सर्फेस का। यहाँ पे देखो ये टोटल अर्थ सर्फेस है, ये जो पोर्शन है ये है हमारा लैंड एरिया। ठीक है, 7 continents वगैरह है और भी बीच बीच में थोड़े थोड़े पार्ट दिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये 7 continents है और जो बीच में ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये पूरा वाटर से कवर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसलिए हमारे अर्थ को जो है ब्लू लैंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम एरिया अर्थ का जो है वो पानी से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें हैं देखो 71% जो इसका हिस्सा है अर्थ का वो तो हमारा हो गया वॉटर। ठीक है, और जो बाकी बचा 29% एरिया जो है वो क्या है, लैंड। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं वॉटर रिसोर्स के बारे में, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो 71% का अगर हम 100% निकालें तो उसमें से भी हमारे पास जो है 97% जो हिस्सा है वो जो है बिल्कुल सेलाइन वाटर है, जो कि समुद्र का खारा पानी है जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूजलेस है बेसिकली माना जाए, ना ही हम उसको एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ना ही इरीगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और ना ही पीने के लिए यूज कर सकते, खारा पानी हम लोग नहीं पी सकते। और 3% जो है हमारे यूज के लिए, इस 3% का जो 69% है, ठीक है, इस 3% में से भी जो इसका 69% है वो हिस्सा जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, और या फिर ग्लेशियर में जमा हुआ है, और जो बाकी 31% जो हिस्सा है वो हमारा जो है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में और हमारे जो पीने के रूप में, यानी कि इट मीन्स जो टोटल 100% वाटर है उसमें से हम लोग सिर्फ 99% में से भी, ये 99% माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 97% तो हमारा वहां चला गया, यहाँ पे समुद्र में खारा पानी है और इधर से 69% जो है वो ग्लेशियर में जमा हुआ है जो कि पिघलेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली जाकर के पिघला तो सकते हैं नहीं। ठीक है, और 1% यहाँ पे हमारा जो है पीने के लिए बचता है, तो इसलिए इस वाटर रिसोर्सेज जो है उसको बचाना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे के लिए आप देखते होंगे कि जो वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आप देखते होंगे डैम बने हुए हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को कंजर्व करते हैं, बारिश का पानी जो है वो ऊपरी हिस्से से नीचे हिस्से तक बहता है। ठीक है, वाटर का फ्लो ये होता है कि ऊपर से नीचे तक फ्लो बहता है। ठीक है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता है, तो ऊपर से नीचे जब वो बहता है तो उसको रोका कहां आता है, जब रोक दिया यानी कि डैम बना दिया। ठीक है, एक ऐसा हिस्सा शहरों में मल्टीपर्पज चीजें जो है वो बन रही है। ठीक है, और भी डेवलप हो रहा है, मैनेजमेंट है, नहरें हैं, ठीक है, कैनाल्स हैं। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो हमारी इंदिरा गांधी जो नहर योजनाएं निकाली थी वो नहर योजना को एक भगवान का गिफ्ट बोला था। ठीक है, इसलिए बोला था क्यों, क्योंकि देखो राजस्थान जैसी जगह पर जो आधा हिस्सा जो इसके 12 जिले राजस्थान के 12 जिले इंक्लूडिंग जयपुर जैसलमेर जो भी है, बहुत सारी चीजें आपने नाम सुने होंगे, ये जो 12 जिले जो है इनमें से
मैक्सिमम जगह जो है सूखा पड़ने का जो चांसेस है वो ज्यादा रहती है, तो इसलिए वहां पर जो है वाटर कंजर्व करने की जो चीजें है वो ज्यादा वहां पर की जाती है। तो राजस्थान के 12 जिले रेगिस्तान में थार डेजर्ट के अंदर आते हैं, और भी इंडिया के अंदर बहुत सी जगह है जहां पर जो है पानी को कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि इरिगेशन पर्पस और यूजेस के लिए वाटर जो है वो बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1% हमारे यूज के लिए। इसके बाद में जब वाटर मैनेजमेंट की बात करें, कहना उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए और पानी को कंजर्व करने के लिए डैम वगैरह बनाए जाते हैं, नहरें निकाली जाती है, वहां से कैनाल सप्लाई होती है। ठीक है, और सिटीज और गांवों तक जो इरिगेशन पर्पस के लिए, देखो मेन दो तीन चीजें ही है, इरिगेशन पर्पस और पीने के लिए पानी पहुंचे और शुद्ध जल जो है वो हर जगह पहुंचे, यही जो है मेन एक मोटो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेस है, ठीक है, उसको और किस तरीके से, देखो मेन जो है इंडिया के मेन मेन प्रोजेक्ट है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए पहला तो है हमारा भाखड़ा नगर। ठीक है, इसको हम लोग इसके बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, भाखड़ा नगर, और सेकंड है हमारा मीराकोट, और थर्ड जो है हमारा दामोदर वैली। ये जो है मेन प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े, बहुत ही दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तीनों प्रोजेक्ट जो बहुत ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिनको बनाकर जो है आज ये है वाटर को मैनेज किया जाता है, वाटर को कंजर्व किया जाता है। ठीक है।